प्रदेश में लॉकडाउन 5 और अनलॉक 1 के शुरू होते ही जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए परिवहन विभाग समेत निजी संस्थान और सरकारी संस्थान को चालू करने का निर्देश जारी किया गया। इसे लेकर परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने बांकीपुर बस स्टैंड का निरीक्षण कर कई गाइडलाइन जारी किए। वहीं निरीक्षण करने के दौरान सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि सिटी बसों के साथ BSRTC की बसों की शुरुआत की गई है और यात्रियों को जागरूक करने के लिए स्लोगन को भी जारी किया गया, यात्रा से बनाए दूरी जब तक न हो जरूरी। लोगों को जागरूक करने के लिए प्री रिकॉर्ड वॉइस के माध्यम से बस ऑटो में पेन ड्राइव दिए जा रहे हैं। रोको टोको के माध्यम से ड्राइवर को ट्रेनिंग दी गई। मास्क ग्लव्स के साथ गमछा लगाकर रखने की अपील की गई। साथ ही बसों में यात्रियों को सैनिटाइजर से हाथ साफ कराया जाए। सीट के अलावा अतिरिक्त यात्रियों को बैठने की अनुमति नहीं है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना अति आवश्यक है और रात 9 बजे के बाद बसों को बस डिपो में बंद करने का आदेश जारी किया गया। निर्देश का पालन नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए। क्या COVID-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोर्स एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। आज ही प्ले स्टोर से मी डिजिटल ऐप डाउनलोड करें। कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण से बचाव के लिए बस या ऑटो में प्रवेश पर ही अपने हाथों कोरोना से संबंधित जागरूकता के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, विभिन्न मैसेज लगाए जा रहे हैं जो इफेक्टिव भी हो और दिल को छूने वाले भी हो। हम लोगों ने एक मैसेज दिया है कि यात्रा से बनाए दूरी जब तक ना हो बहुत ज़रूरी। हम लोग का ये मैसेज है कि लोग यात्रा करें, लोग घर से बाहर निकलें, लेकिन उतना ही जितना आवश्यक हो। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चलने लगा है, इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग गैर जरूरी कार्यों के लिए घर से बाहर निकलें, भीड़ बढ़ाएं, और ये हमारा उद्देश्य नहीं है। इसलिए बार बार उनको बताया जा रहा है मास्क के संबंध में प्री रिकॉर्डेड अनाउंसमेंट सिस्टम के माध्यम से बस में जब लोग बैठे तो उनको बार बार ये हम लोग बताने की कोशिश करेंगे कि आपको सुरक्षित रहने के लिए क्या क्या करना है, और वो प्री रिकॉर्डेड वॉइस के माध्यम से ऑटो में, ई रिक्शा में और बसों में वो हम लोग सभी को पेन ड्राइव दे रहे हैं ताकि ये सब लोग इसका उपयोग कर सकें। ड्राइवर को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं मास्क लगाना? देखिए, ड्राइवर और कंडक्टर के लिए कल ही हम लोगों ने ट्रेनिंग करवाई है, क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर्स को भी मास्क लगा के काम करने की आदत नहीं रही है। अब उसकी हैबिट में चेंज के लिए उनको भी रोको टोको अभियान के तहत उन्हें सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है, क्योंकि उनको बाकी लोगों से भी कंप्लायंस करवाना है। तो इसीलिए एक पूरी जो वर्किंग कल्चर है उसको भी चेंज करना है। तो हम लोग प्राइवेट वाहन मालिकों को भी बिल्कुल समझा रहे हैं, बता रहे हैं। मीठापुर में कंट्रोल रूम खोला गया है और हर जिले में जिला पदाधिकारी के माध्यम से अभी जागरूकता अभियान के तहत हम लोग स्टिकर्स प्रिंट करवा करके दे रहे हैं, जिसको हर गाड़ी में लगवाना है। आज शाम तक स्टिकर्स भी प्रिंट हो जाएंगे ताकि जब यात्री बैठे तो उनको बार बार इस बात की हम लोग याद दिलाएं कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, खांसते छींकते वक्त मुँह को ढके रखना है, मास्क नहीं हो तो गमछा पहन सकते हैं। तो इन सब बातों का लगातार प्रचार प्रसार होगा। सैनिटाइजर भी बसों में दिया जाएगा ताकि लोग यात्री बैठे उससे पहले उसको सैनिटाइज करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।